स्वागत है आपका। इस वक्त इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। देखिए, गणतंत्र दिवस आज 74वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। 6000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं परेड के लिए, ताकि परेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। पुलिस, एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से कर्तव्य पथ पर नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन टीम भी तैनात की गई है और जो लोग परेड देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं उन सबकी QR कोड के जरिए वहां पर एंट्री हो रही है। सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से पुख्ता किए गए हैं। 6000 के करीब जवान लगाए गए हैं कर्तव्य पथ के आसपास सुरक्षा के लिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान से जो है पैनी निगाहें रखी जा रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद रोड पर और ये रास्ता जो है वो कर्तव्य पथ तक जाता है जहां पर गणतंत्र दिवस की 74वीं परेड होनी है। लेकिन उससे पहले दिल्ली को पुलिस पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 27,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री सड़कों पर मुस्तैद हैं, तो वहीं सिर्फ तो 6,000 सुरक्षाकर्मी जो है वो केवल नई दिल्ली की सुरक्षा बंदोबस्त में जो है वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस परेड और इसके आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए 150 से ज़्यादा CCTV कैमरे भी जो है लगे हुए हैं और ऊंची इमारतों को कल शाम से ही बंद कर दिया गया है और परेड वाले रूट के दोनों तरफ जो है पुलिसकर्मी जो है वो ऊंची इमारत पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। आज परेड को देखने के लिए तकरीबन 60 से 65 हज़ार जो दर्शक हैं वो यहाँ पर कर्तव्य पथ पर पहुँचने वाले हैं और एंट्री के लिए जो है वो खास QR कोड का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिसके पास वो QR कोड होगा उसी के जरिए जो है वो एंट्री दी जाएगी और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो जो परेड देखने के लिए आ रहे हैं। इसकी तरफ से जो है दिल्ली पुलिस ने 24 हेल्प डेस्क जो है वो बनाए हुए हैं। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली के में जगह जगह पर जो है वो पोस्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग परेड देखने के लिए आ रहे हैं वो उन्हें जो है वो खासी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।